हेलो गाइस, वेलकम टू एसडीआर क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, स्पेशल क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें से ऑलरेडी दो क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। तीसरा क्वेश्चन ये है, ये क्या कहता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू दिस थिंग सिग्मा एन इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर फोर एन प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन फोर एन प्लस थ्री फोर एन प्लस फोर और इसका डबल डिफरेंशियल। इसका मतलब है कि पहले हमें इसे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो आएगा उसकी लिमिट निकालेंगे। उसके लिए पहले लिमिट क्या है ये देखनी पड़ेगा इस इंटीग्रल को सॉल्व करके। अब ऐसा करने के लिए सबसे पहले हम इस पे ध्यान देते हैं, अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये सारे कॉन्स्टेंट टर्म है तो सिर्फ डिफरेंशिएशन हमें इसका करना है। तो ये क्या बनेगा, फोर एन प्लस फोर और एक्स टू द पावर फोर एन प्लस थ्री। तो पहली बार ये कट जाएगा, दोबारा इसको जब करेंगे तो फोर एन प्लस थ्री और एक्स टू द पावर फोर एन प्लस टू आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा वो मैं लिख देता हूँ। यहाँ ऊपर हो गया एक्स टू द पावर फोर एन प्लस टू और नीचे रह गया ये हो गया। जब इतना हो जाता है, अब बात आती है इसको सॉल्व करने की, इसको कैसे सॉल्व करें। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट रूट टी ई टू द पावर माइनस टी डी टी। अब यहाँ पे क्या है, हम सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे। क्या करेंगे, मान लेते हैं कि रूट टी इज इक्वल टू यू, तो टी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर। तो डी टी इज इक्वल टू टू यू डी यू। अब यहाँ से लिमिट की बात करते हैं, तो जब ये जीरो है तो ये भी जीरो है, जब ये इनफाइनाइट है तो ये भी इनफाइनाइट है। तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट टू टी की जगह पे क्या हो जाएगा, यू ई टू द पावर माइनस यू स्क्वायर और टू यू डी यू, ये बन गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका टू यू यू ई टू द पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू, और इसका इंटीग्रल कहाँ से, जीरो से इनफाइनाइट तक। ऐसा कर लेते हैं तो उसके बाद हमें सॉल्व करना आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताते हैं। अब यहां पे क्या है, इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। तो सिंपली आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू टू यू और इंटीग्रल ऑफ दिस, इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वन बाय टू और टू यू इंटीग्रल ई टू पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू। तो ऐसा क्यों किया है, यू स्क्वायर को हम रखते हैं इज इक्वल टू डब्लू, टू यू डी यू इज इक्वल टू डी डब्लू, और लिमिट जो है लिमिट वही रहेगी। तो टू यू डी यू मिल के बन जाएगा डी डब्लू और इसकी जगह पर ओमेगा हो जाएगा। तो कुल मिला के ये आपका क्या आ गया, वन बाय टू इंटीग्रल ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट और आपका ई टू पावर माइनस ओमेगा डी ओमेगा, ये आ गया। जब ये आ जाता है तो बाहर निकाल देंगे तो आ जाएगा ये माइनस ई टू पावर माइनस ओमेगा बाय टू, इसकी लिमिट हो गई जीरो टू इनफाइनाइट। और फिर आपका हुआ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड का इंटीग्रल, इसका डी डी एक्स कितना हो जाएगा टू, और इंटीग्रल अभी निकाला था माइनस ई पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय टू, और इसका इंटीग्रल जीरो टू इनफाइनाइट डी यू। अब ये ओमेगा स्क्वायर की जगह पे क्या है, यू स्क्वायर है, यहाँ पे भी इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। अब यहां से देखिए, जब ओमेगा लिखेंगे इनफाइनाइट करेंगे तो ये सारा जीरो हो जाएगा, जीरो पे भी, तो ये टर्म पूरा जीरो हो गया, सिर्फ हमारा ये बचा रह गया। तो ये आ गया आपका
इसका मतलब ये रह गया सिर्फ आई इज इक्वल टू रह गया इंटीग्रल ऑफ जीरो टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रल ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू, और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो पहले मैं करा चुका हूँ, इसकी वैल्यू होती है रूट पाई। तो इसका मतलब है कि आई जो हमारा निकल के आ गया वो रूट पाई बाई टू आ गया। ये इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू जो आई हमारी ये पूरा आ गया रूट पाई बाय टू। जब ये आ जाता है अब हम आगे देखते हैं इसका एक्सपेंशन ये क्या होता है। तो अगर इसमें हम वैल्यू रखना शुरू करते हैं तो इसमें क्या क्या आएगा, अगर इसको ऐसे लिख लेते हैं सिग्मा एन इज इक्वल टू जीरो टू इनफाइनाइट इसको एक्स स्क्वायर इसकी पावर टू एन प्लस वन हो जाएगा और नीचे भी यही है टू एन प्लस वन। ये जो होता है ये पूरा जो है ये है टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर का। तो लिमिट ले लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू रूट पाई डिवाइडेड बाय टू एल एच इनवर्स एक्स स्क्वायर, और जब यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं टेन एच इनवर्स रूट पाई बाय टू स्क्वायर इज इक्वल टू टेन एच इनवर्स पाई बाय फोर। तो इसका सोल्यूशन जो आया वो आंसर ये आया। तो आजकल इस तरह से अप्लाइड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जिसमें कई सारे कॉन्सेप्ट छुपे हैं, सारे को सॉल्व करके मीन्स चार क्वेश्चन को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया जाता है। अगला क्वेश्चन लेके फिर हाजिर होते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।